लोग शॉर्ट मेमोरी है, आप भी जानते हैं लोगों को शॉर्ट मेमोरी है, बट इस बार बहुत ऐसे परिवार कोलैप्स हो चुका है, टोटल परिवार कोलैप्स हो चुका है, कोई बोल नहीं सकता है। मेरे को लगता है ये लोग ने एक कोरोना को भी एक इवेंट बना दिया। पहला चीज है कि कोरोना को ये लोग ने सीरियस नहीं लिया। अगर हम कांग्रेस में जो लीडर्स हैं उनको भी अगर जाते हुए बाहर देखें, डू यू नॉट थिंक दैट दैट वुड ऑल्सो हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि देखो कांग्रेस के लीडर्स भी जा रहे हैं, इट इज नॉट नहीं ओनली द नहीं यूथ कांग्रेस। लोग क्यों मर रहे हैं, कोरोना से थोड़ी मर रहे हैं लोग, सही समय पे बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिला इससे लोग मर रहे हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त कॉन्वर्सेशंस में जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें खुशी तो बहुत होती है, हमारे गेस्ट्स बहुत खास होते हैं, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज किए हुए हैं, लेकिन आज एक 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 अलग सा प्राइड है, बिकॉज टुडे वी हैव अ मैन जिसको पूरा देश आज सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा देश जिसको आज ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया बोल रहा है, और जिसे मैंने एक महीने पहले एक ट्वीट किया था। मैं वो ट्वीट आपको ग्राफिक्स प्लेट पे भी दिखाऊंगा। मैंने बेसिकली मैंने ये ट्वीट किया था, 15 अप्रैल मेरे ख्याल से डेट था, दिस इज एन अप्रिसिएशन ट्वीट फॉर श्रीनिवास IYC हु हैज बीन ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू गेट वायल्स ऑफ रेमडेसिविर बेड्स इन हॉस्पिटल्स, दिस इज वॉट लीडरशिप लुक्स लाइक इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, होप मोर पावरफुल नेताज टेक नोट ऑफ श्रीनिवास वर्क एंड गेट डाउन टू हेल्पिंग पीपल एनी हेल्प। अब वो एनी हेल्प आया या नहीं आया वो तो दूसरी बात है, लेकिन उसके बाद मैं कोरोनाग्रस्त हो गया, तो मैंने सोचा था जो इंटरव्यू एक महीने पहले करूंगा वो आज एक महीने के बाद जाके फाइनली कर रहा हूँ। बीवी श्रीनिवास, इट्स अमेजिंग टू हैव यू हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त, और आई होप उतना थके नहीं होंगे, मैंने सुना है सिर्फ 5-6 घंटे, आप भी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं मैंने सुना है। हम कैसे हैं आकाश जी? आप बहुत सारा लोग ने लिख रहा था आपके लिए, जल्दी गेट वेल सून, बहुत सारा मैं भी कमेंट्स एक इसमें देख रहा था, काफ़ी लोग आपके लिए चिंतित भी है, भगवान आप जल्दी बाहर आए, बहुत अच्छी बात है, ये किसी के साथ ऐसे ये बीमारी नहीं आए, यही मैं भी प्रेयर का, कोई भी हो किसी के साथ ये बीमारी ना आए। ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है, आई मीन आपके मैंने इवन फॉर द वर्स्ट एनिमी जिसको कहते हैं ना, उसको ये वाली बीमारी ना हो, जैसे आपने बोला ना कि आप कैसे हो, मैं आज भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ रिकवरी हूँ, क्योंकि कोरोना के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जो सुनने में आती हैं, आप कभी नहीं कह सकते हो कि आप रिकवर्ड हो, कब क्या स्ट्राइक कर जाए, तो हम भी बहुत धीरे धीरे, एंड मैं जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे भी यही बोलूँगा कि बॉस इवन अगर आप कोरोना से ग्रस्त हों तो धीरे धीरे वापस आइएगा। श्रीनिवास, आज का जो डिस्कशन है कोई न्यूज़ डिस्कशन नहीं है, आज का जो डिस्कशन है ये समझने के लिए है कि ये जो फिनोमिना हुआ इंडियन यूथ कांग्रेस का, ये जो फिनोमिना हुआ कि एक बंदा जिसके बारे में देश कल तक जानता नहीं था, आज वो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन्स है इन दिस कंट्री, ऐसा कैसे हुआ, प्लान था, क्या क्या प्लानिंग हुई, एक्शन में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, और इसका इसके पीछे जो पॉलिटिकल एंगल है कि जो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, एलिगेशंस चल रही हैं, उसको भी समझने के लिए मैंने पहले सोचा था भक्त बैनर्जी ये इंटरव्यू करेगा, हमने लास्ट हमने महुआ मोहित्रा के साथ किया था, भक्त बैनर्जी तो कहता है कि उसने महुआ मोहित्रा को एकदम एक्सपोज कर दिया, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, माहौल भी नहीं है और आपसे कुछ सीरियस चीज़ों के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा उसी सवाल से जिससे शायद भक्त बैनर्जी भी शुरुआत करता, कि ये जो एलिगेशन आ रहा है पहले उसको हम थोड़ा रास्ते से हटा दें, कि बस ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं आपके पास, तो इसके पीछे कौन सा ऐसा हाथ है, कौन सा ऐसा टूलकिट है जिससे दुनिया की सारी ऑक्सीजन सिलेंडर आप ही के पास आ रही है और गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है, राज बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आपने पहले बात किया कि भारतीय युवा कांग्रेस का एक परंपरा है, हमेशा जब भी देश में कहीं भी आपदा आता है, कई ऐसा इंसिडेंट होता है, हमेशा लोगों को मदद करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस किया। मैं खुद 2013 में उत्तराखंड में 2 महीने हमने वहाँ रेस्क्यू किया था, रिलीफ वर्क किया था, बाद में रिहैबिलिटेशन वर्क किया था इंडियन यूथ कांग्रेस, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, झेलम, बिहार, बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक, ऐसे तमाम जगह किया है,
पहली बार पैन इंडिया हुआ है। पहले क्या होता था, एक लिमिटेड टेरिटरी फॉर 4-5 डिस्ट्रिक्ट में होता था, जो वो काम उधर ही सीमित होता था। वहाँ दो दो तीन दिन वहाँ लोकल में चैनल वगैरह सब जगह डिस्कशन होता था, बाद में ज़्यादा वो बाहर नहीं आते थे। इस बार पहली बार पूरा पैन इंडिया, और ये मेडिकल इमरजेंसी किसी को पता नहीं था इस लेवल पे हो सकता है। बट भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है। आप प्रदेश से लेके डिस्ट्रिक्ट कमिटी से लेके विधानसभा तक, कोई गांव में भी एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मिलेगा। हमेशा लोगों को मदद करना, हर चीज़ में किसी चीज़ का लोगों के साथ खड़े रहने का एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा देश भर मिलता तो ये जब सेकेंड वेव आया, तो है। ये आप जो स्प्रिंग इनटू एक्शन जिसको कहते हैं, हाँ, तो वो ये इमीडिएट था कि आपने देखा, या कुछ एंटिसिपेटेड था और उसकी तैयारी आपने करके रखी थी? बहुत अच्छा आकाश जी आपने सवाल किया। हमने ये 1 साल से कर रहे हैं। पेंडेमिक 1 जो मार्च 1, 2020 में राहुल गांधी जी ने हम लोग को, सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया, खुद आप लोग वो 12 फरवरी जो ट्वीट लगाया था, आप लोग लोगों को मदद करना, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम इवेंट सारे बंद कर दो। अभी अच्छा, जो सोशल डिस्टेंस है, तमाम चीज़ है, आप लोगों को मदद करने का आप लोग तैयारी करो करके उनका तरफ से हम लोग के लिए आदेश आया। तो उसी समय में जो 23 मार्च जो अनप्लान लॉकडाउन हुआ, तो उस समय में लोग भी हताशा हुआ, माइग्रेंट लोग जो कहीं किसी को खाना नहीं मिल पा रहे, अपने अपने घर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जो पैदल चलने लगे। आपने भी ऐसे बहुत सारा तस्वीर आप ही खुद दिखाए थे, जो लोग, जो प्रेग्नेंट लेडी है, बुजुर्ग लोग है, छोटे छोटे बच्चा बिना चप्पल जा रहे थे। वो सिचुएशन में हमने देख के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो कितने बार हम लोग भी दुखी हो गया था। फिर चप्पल उनको प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करो, घर घर भेजने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को घर भेजने का कोई किया। जी उसमें प्रेग्नेंट लेडी, वो छोटे छोटे बच्चे 2-3 किसके पास है, बहुत सीनियर है, ऐसे लोगों को हमने घर भी पहुंचा दिया। इसके अटके जो माइग्रेंट्स थे, थोड़ा यूथ था, ऐसे लोगों को हमने वहाँ श्रमिक ट्रेन का जो रजिस्ट्रेशन कराने का था, उसमें ट्रेन में उनका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर पे उनका एनरोल करेगा, उसको सेंटर पे, उसको मैसेज आता था फला सेंटर पे आप जाओ, आपको वहाँ जाके जाने से उन लोग के लिए ट्रेन का टिकट सारे व्यवस्था होता था। उसमें जो भी जाएगा उनको भी ट्रेन में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उसको भी थोड़ा खाने पीने का स्नैक्स जैसे हमने सारे पैसेंजर्स को किया। इसके बाद ये कंटिन्यू रहा। इसके बाद किसान आंदोलन आए। किसान आंदोलन में भी चारों बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, हर जगह भी किसानों को खाना खिलाना, जो लोगों को छोटे छोटे मदद किए। इसके बाद जो मार्च 7 तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यकारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूथ कांग्रेस में। ये इसमें हमारा डिसीजंस होता है, 6 महीने का रोड मैप तय होता है। इसमें सारे प्रदेश का अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और मेंबर्स, ये सारे लोग मिलके कम से कम 130 लोग, 2 दिन का हमारा मीटिंग 5 रायसीना में हुआ, यूथ कांग्रेस हेड ऑफिस में। उसमें राहुल गांधी जी आए, 4 घंटा हम लोग के बीच में रहा, 4 घंटा लगातार। उसमें रेजोल्यूशन में हमने 3 चीज़ें वो दोबारा वो इशारा किया, पेंडेमिक 2 आने वाला है, आप लोग दोबारा लोगों को, जो फर्स्ट 1 पे किया था इस पे आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, और थोड़ा बड़ी लेवल पे लोगों को मदद करने के लिए वो आदेश दिए। तो उसी समय में जो रेजोल्यूशन पास किया, पहले नंबर 1 पेंडेमिक, सेकेंड में अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरे पे हमने किसान आंदोलन को सपोर्ट करना, ये तीनों ये तय। कब हुआ, कौन से डेट पे पास हुआ? मार्च 7 तारीख 2021। तो ये बोलिए ना, मोदी जी ने वार्न किया था, तभी तो किया ना आपने। तो वो उसके बाद हम लोग ने SOS टीम, SOS तो वो कुछ लोग कह रहे हैं अभी बनाया, ये 1 साल पहले से भी देख सकते हैं कोई भी SOS पेंडेमिक 1 में। तो उसमें 3 तरीके का अलग कैटेगरी बनाया।
जो कंफर्टेबल है, जो शहर में लोग है, जो कुछ लोग है बहुत सोशल मीडिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे लोग के लिए ट्विटर और फेसबुक, इसमें हमने कोई भी SOS टैग करेगा उसको मदद करना। और एक है जो रूरल एरिया में ऐसे गवर्नमेंट जो माइग्रेंट लोग है, जो हमारा वर्कर का कोई पहचान में रहता है गांव का, उन लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट कॉल, ये 3 तरीके का प्लान करके 1,000 लोगों का वॉलेंटियर्स बनाया। जो ये 1,000 लोग है अपना सुरक्षा छोड़ के कहीं भी किसी समय पे सड़क में आ जाए, लोगों को मदद करे, हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करे, इसके लिए हमने टीम अलग अलग बनाया। एक टीम है बेड आइडेंटिफिकेशन का, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, और साथ में नोडल ऑफिसर रहता है जो गवर्नमेंट में मेडिसिन जो डील करता है, जो उसका, और प्लाज्मा थेरेपी सबसे ज़्यादा लिख रहा था, जो कोविड रिक्वायर किस किस ने हुआ है, 15 दिन के बाद वो नेगेटिव आने के बाद 15 दिन के बाद में ही कैन डोनेट, उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है, वो 5 के ऊपर है तो वो डोनेट कर सकते हैं, मैं 5-7 के ऊपर वो दे सकता है, डोनेट कर सकते हैं, वो भी 18 साल से 60 साल तक 3 बार वो डोनेट कर सकते हैं। बट लोगों के दिमाग में ये बैठ का है तो प्लाज्मा डोनेट करने से हमको दोबारा कोरोना इफेक्ट हो सकता है, बॉडी में कमजोर आ सकते हैं, ऐसे कुछ उन लोग के दिमाग में बैठे थे। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से कन्विंस करना, कन्विंस करके फिर उन लोगों को हमने ब्लड बैंक लेके आके डोनेट करके लोगों को मदद करना, इसके लिए अलग अलग टोटल टीम बनाया हमने, तो सारे अलग। आपने इतने टीम बनाए, आप कह रहे हो इतना सारा काम हुआ, इतने वॉलंटियर्स हुए, फिर आई दिल्ली पुलिस आपसे सवाल पूछने के लिए, तो कैसा रहा ये अनुभव कि इतना काम करने के बाद जब आपसे पुलिस सवाल पूछने आई, डिड इट पुल यू डाउन? नहीं, ये वो लोग ने समबड़ी सम दीपक सिंह डॉक्टर है, वो PIL डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो मेंशन किया सरकार नहीं कर पा रहा है, ये लोग कैसे कर रहे हैं, वो उसका इसके हिसाब से, मैं अकेला नहीं और कुछ लोग भी है उसमें, तो वो लोग आके पूछे, हमने जो पहले ओरल भी दे दिया, हमने लिखित में भी दे दिया था, तो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को क्लीन चिट दे दिया था हमको, फिर दोबारा कोर्ट ने उन लोग को आपको और एक बार इसको रिपोर्ट ले लो करके उन लोग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, फिर भी हमने उन लोग के लिए रिपोर्ट दे दिया है उन लोग के लिए। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर दिल्ली पुलिस कोर्ट की आदेश, और दिल्ली पुलिस ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो दिल्ली पुलिस जब कोर्ट के आदेश का इतने अच्छी तरीके से पालन कर रही है, इमीजिएटली पालन कर रही है, तो जब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको ऑक्सीजन देने के लिए बोल रही थी, तब पालन क्यों नहीं हो रहा था? ये मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोग ने बोला है कि अरे तुम क्यों बात कर रहे हो ऐसे श्रीनिवास के बारे में, वो तो कोर्ट का आदर हो रहा है। तो कोर्ट का निरादर हुआ था क्या जब ऑक्सीजन देने की बात हुई थी तब? नहीं, ये इसमें ये लोग का जो समय, वो कोर्ट का आदेश करना चाहिए, हमने रेस्पेक्ट करता है, कोर्ट हो पुलिस हो सबको रेस्पेक्ट करता है, बट समय सही नहीं था, तो अभी बहुत सारा लोग न्यूट्रल लोग मदद कर रहा है, वो लोग डरेगा बाहर आके मदद करने के लिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा लोगों को। अभी क्या होगा, अरे कोई भी मदद करेगा उसको पुलिस इंक्वायरी होगा, तो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आएगा, इससे नुकसान किसको होगा, आम लोगों का नुकसान होगा, जी, ये क्या। मैं एक चीज जो आपसे समझना चाहता हूं, और बाय द वे इस पर भी सी, आपको सवाल में घेरने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी काफी टाइम स्पेंड करता हूं, तो एक तो है होर्डिंग वाला एंगल कि भाई इन्हीं को कैसे मिलता है, तो वो तो आपने समझा दिया कि कैसे ग्रुप वॉलेंटियर्स है और कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है बेड को लेकर, हाँ, मेडिसिन को लेकर। उसमें एक मैं कैसे मिला उसको मैं एक मिनट में क्लियर बता देता हूँ। देखिए, बेड कैसे मिला है ना, इंटेंट होना चाहिए पहले संगठन में, हम लोग को इंटेंट होना लोगों को मदद करने का, जी हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना है, उसके लिए वॉलेंटियर लगा दिए। कोई बेड के लिए हमको फ़ोन करता है तो हमने बता रहे भैया इस कौन से एरिया में पहले पूछता है उनको, रोहिणी है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मांग रहे हैं, प्राइवेट मांग रहे हैं, पूछे रोहिणी के नज़दीक में अंबेडकर हॉस्पिटल है, भैया यहाँ 2 बेड अवेलेबल है, आप यहाँ जाओ,
नहीं तो क्या होता है, सारे पेशेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगते हैं, ऐसा हटके भी लोग को वहाँ ट्रीटमेंट मिल सकता है। लोग क्यों मर रहे, कोरोना से थोड़ी मर रहे लोग, सही समय पे बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिला इससे लोग मर रहे। तो हमने उनको कन्विंस करते हैं, भैया पहले आप जाओ, आपको सांस लेने में दिक्कत है, बेसिक ट्रीटमेंट, वहाँ ऑक्सीजन बेड है, ऑक्सीजन लो, उसके साथ में वो लोग ट्रीटमेंट देगा, आप ठीक नहीं होगा तो आप फॉलोअप करो, फिर बाद में जाके कहीं एडमिट हो जाओ, बट तब तक आप सड़क पे घूमते रहे तो मर जाएगा तुम। ये एक पार्ट सिलेंडर का बात है, सिलेंडर का बात है, ये एक सिलेंडर एक व्यक्ति को नहीं होता है, एक पेशेंट को हमने, दैट इज नॉट ए डिस्पोजेबल थ्रो, हमने एक बार सिलेंडर यूज कर दिया वो, उसके बाद में वो दूसरा पेशेंट को नहीं है, ऐसा नहीं है। एक पेशेंट को 4 घंटा भी दिया सिलेंडर, एक पेशेंट को 1 घंटा, उनको एडमिशन मिलने तक 1 घंटे भी दिया है, 2 दिन भी दिया है, 3 दिन भी दिया है, रिफिल होगा, वो रोटेशन होगा, रिफिल होगा इंटरेस्टिंग. और रोटेशन होगा वो सिलेंडर। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 14 डिस्ट्रिक्ट है, 70 विधानसभा है, इतना कार्यकर्ता, कुछ लोग ने ऐसे ही हम लोग को डोनेट किया, कुछ सिलेंडर्स डोनेट किया, उसको हमने ये किया। और ये इंजेक्शन का बात आई, इंजेक्शन का बात में दिल्ली का ही मैं आया बता रहा हूँ, पहले आर्क फार्मास्यूटिकल्स करके दिल्ली में इन लोग ने एक फार्मास्यूटिकल्स को दिया था ग्रीन पार्क में, कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट हो वो उसके साथ आधार कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल एडमिट कार्ड, डॉक्टर रिक्वेजेशन फॉर्म, ये सारी लेके जाएगा, लाइन लगेगा, टोकन मिलता था, बाद में मेडिसिन मिलता था, सजेस्ट करते थे। थोड़े दिन के बाद में वो 30 आउटलेट इन लोग ने बढ़ाया, जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, हमने इनको जस्ट माध्यम बन के इनको समझा, भैया इधर जाओ इधर जाओ, नहीं तो सीएमओ को मेल करवा दो, हॉस्पिटल से मेडिकल चीफ ऑफिसर को आप मेल करेगा, उसमें एडीएम आएगा, वो एडीएम को भेजेगा, एडीएम डीएम उसको मदद करेगा, ये माध्यम बन के हमने काम किया। प्लाज्मा थेरेपी में तो हमने खुद हमारा वर्कर कितने हुआ, और दूसरे लोग को कन्विंस करके हमने डोनेट कराया। इसमें करने को इच्छा होना चाहिए, थोड़ा होमवर्क प्लान करके करने से ये सारे काम हो। तो एक तो हो गया ये इंटेंट, और आपने कैसे लोगों को डायरेक्ट किया रिसोर्सेस पे, ये बात मुझे समझ में आ गई। एक चीज और जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, और मैंने ट्रेडिशनली कांग्रेस में देखा है कि वो उतना फास्ट नहीं है, इज द स्पीड। आपने इतनी स्पीड कैसे पकड़ ली कि आदमी मैसेज कर रहा है और उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है? एक्सप्लेन दिस, ये टूलकिट बताइए जरा स्पीड वाला। जो टूल किट वो भी है, उन लोग का टूल किट है वो लोग ने किसान आंदोलन में एक टूल किट लेके आया था, अभी नया टूल किट ये लोग ने, वो भी फोर्जरी करके कुछ किया, उसके वो ऊपर बहुत सारा जगह FIR हुआ है, तो कुछ लोग का काम है, वो लोग उनका काम करने दीजिए, हमारा काम है लोगों को मदद करना, हम उस पर फोकस करता है। एंड ये देखिए, इसमें द हमने स्पीड। एक साल में हमने टीम बनाया था ना, टीम में आप, मैं यहाँ बैठ के आपके सामने, आप कश्मीर से कन्याकुमारी में कहीं एक जगह का बोलो, मैं 10 मिनट में वहाँ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता का मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, और ये क्या एक मेरा वॉर रूम से मोबाइल। हो रहा है, मैंने ये एक सेंट्रल नोडल प्लेस से हो रहा है, हो कैसे रहा है ये? हाँ देखिए, एक हर स्टेट में एक एक कंट्रोल रूम है, हर स्टेट में लोग, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल ऑफिसर्स, ऑफिस बेरर और सोशल मीडिया टीम, सब लोग ने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सेंट्रल में हमने, हमारा पास आएगा, दिल्ली कंट्रोल रूम में जो मनु वो हैंडल कर रहा है, वो क्या करेगा, केसेस को सेग्रीगेट करके वो तुरंत दे देगा, बट साइमल्टेनियसली वहाँ का जो हैंडल जो यूज़ कर रहा है वो लोग भी देखते रहते हैं SOS IVC को, हमारा स्टेट का कोई केस आया क्या, वो तुरंत वो लोग भी उठा लेते हैं। हम कभी हमने भेजने के पहले कुछ लोग है, इतना फास्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, असेंबली और स्टेट ऑफिस बेरर इतने फास्ट है, वो लोग भी नॉन स्टॉप उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं, उनका स्टेट का कोई मामला है तुरंत वो लोग ने उसको फॉलोअप कर देता है, नहीं तो हम लोग दिल्ली से उसको सेग्रीगेट करते हैं। हमने तो सबको मदद नहीं कर सकते हैं, हम तो ना सरकार पे है ना इतना रिसोर्स है, बट हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी में नहीं जाते। कुछ लोग क्या करते हैं,
हमने भी मदद कर रहा है, ऑन इट नोटेड, ये हमने नहीं करते हैं। जो हमने किसको मदद करना उसको तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करेंगे, इमरजेंसी केस है, ऐसे केसेस को इमरजेंसी में एक छोटा मदद से उसका जान बच सकते हैं, उस पर ज़्यादा हमने फोकस करते हैं। श्रीनिवास, मैंने आप एक जगह ये भी पढ़ा था दैट यू नो इट रियली बॉदर्स यू कि आप कितने जाने बचा नहीं पाए, और वो तो सबको ही रिग्रेट है, हम भी थोड़ा मोरा जो भी कर पाते थे। मैं आई मीन आई डोंट इवन वॉन्ट टू गो इन टू द फैक्ट कि मैंने फिजिकली भी कितना ड्रेनिंग होता है ये सारे मैसेजेस पढ़ना, आपको झिंझोड़ देता है, तो वो तो है ही है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें कि एक जगह आप लोग यू गाइस स्वंग इन टू एक्शन और एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, मैंने वो एक इंस्टेंस तो ज़रूर होगा जहां आपको लगता है कि यार इतना सब कुछ किया इट इज़ वर्थ इट, कोई ऐसा इंस्टेंस जो याद आता है? ऐसा दोनों केसेस है, दुख भी हुआ और कुछ केसेस में बहुत सारा है, मैं एक आध दो बता सकता हूँ। एक परिवार में चार लोग थे, चार लोग कोविड हो गया, उसका हस्बैंड को बहुत सीरियस था, उसका वाइफ भी कोविड है, दो बच्चा कोविड है, तो उसका 60 था शायद एसपीओ जब एडमिट किया हमने उसका, बाद में एडमिट हुआ, लोग ने हमको एडमिट करने के बाद में हमने भूल गया, उसके तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार बीच में हमने फॉलो अप किया था, पेशेंट इज़ रिकवरिंग, थोड़े दिन के बाद में पहले फ़ोन करके रो रहे हैं लोग ने, क्या हुआ? मैं पूछा, नहीं हम सारे जिंदा आ गया करके, आप लोग ने मदद की, वो थोड़ा इमोशनल हो गया हम लोग भी, चलो एक छोटा मदद से पूरा परिवार बच गया। उसका हस्बैंड कम से कम 25 दिन था वेंटिलेटर और आईसीयू, वो बच के आ गया। दूसरा चीज़ है, एक दिल्ली प्रोफेसर है, दिल्ली में वो रहता है नरेला में, उसका बेटा का साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी हुआ, किसी के साथ नहीं होना है ऐसे, मेडिकल नेग्लिजेंसी के वजह से उस छोटे बच्चा 3 साल से ऑक्सीजन से जी रहा है, बेड में ही पड़ा रहता है। तो कोविड की वजह से उनको सिलेंडर रिफिलिंग नहीं कर पा रहा है वो, उसके तरफ से हमको रिक्वेस्ट आया, पहले दिन मैंने सिलेंडर लेके जाके दिया, वो तो एक दिन ख़त्म हो जाता है, तो 10 लीटर का दिया था, तो बाद में वो दोबारा फ़ोन आया, भैया ये ख़त्म हो रहा है। फिर मैं राहुल जी ऑफिस से बात करके उनको 10 लीटर का वेंटिलेटर मैंने प्रोवाइड करवाया, सॉरी कॉन्सनट्रेटर, 10 लीटर का कॉन्सनट्रेटर मैंने उनको मदद कर पाया। बाद में वो अभी फॉलो अप लिया मैंने, तो बच्चा अभी तो ले रहा, बट उनका फादर भी लगातार जो डॉक्टर ने इस हालत का कारण है उसके खिलाफ, उसका भी बहुत बड़ा स्वाभिमान है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वो लोग ने उनको मैनेज करने भी आया, बट वो सुने नहीं है, वो उनके खिलाफ लड़ रहा है। और दुखी का बात क्या है, मैं 2-3 केस अभी देखे, एक बहुत नौजवान था, 28-30 साल भी नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल के बाहर कुछ किसी को मैंने मेडिसिन देने गए थे, कैंसर पेशेंट का मेडिसिन, बाद में वहाँ वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, मेरा उनका थोड़ा बात ही हुआ, मैं बोला आप रुको मैं अंदर जाके आ रहा हूँ, मैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं एडमिशन आपका करा दूँगा। उसके अंदर मेरा बात हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसका बेड मिल गया, ऑक्सीजन बेड, तो बट मैं आने में कम से कम 25-30 मिनट हुआ, उसके अंदर वो दम तोड़ चुका था। हाँ, और वो उसके उसके फादर पहले ही मर चुका था उनका। अरे अच्छा, तो मैं नींद नहीं कर पाया, देखिए। और एक जो न्यूजीलैंड का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, वो भी उस व्यक्ति भी आज शायद कल देहांत हो गया उसका भी, जो हमने सिलेंडर्स दिया था। ऐसे बहुत सारा केसेस है, बट हमको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत दिन हमने खाना नहीं खाया, रोया है हम लोग। श्रीनिवास, ये मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने एक बस अपने लाइव में शेयर किया था ये बात कि मैंने बहुत न्यूज़ देखा है, 10 साल मैंने भी जर्नलिज्म में किया है, 26/11 देखा है, दांतेवाड़ा में मैसेकर देखा है, फ्लड्स देखा है, राइट्स देखे हैं, और मैं सोचता था मैंने सब देख लिया है। शायद कोविड से रिकवर कर रहा था उसके लिए भी, मेरे पहली बार हाथ कांपे जब मैं ये सारी खबरें देख रहा था। पहली बार मेरी ज़िंदगी में
मैंने न्यूज़ से थोड़ा हाथ खींचा वापस, बिकॉज मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो व्हाट ड्राइव्स यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आसान काम नहीं है मेंटली, एक तो फिजिकल स्ट्रेन तो है ही है, लेकिन ये सब देखना, डेथ, और ज़्यादा थैंकफुल जॉब भी नहीं है, दो दिन में लोग भूल भी जाएंगे, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सो क्यों श्रीनिवास, वाई? देखिए लोग शॉर्ट मेमोरी है, आप भी जानते हैं लोगों को शॉर्ट मेमोरी है, बट इस बार बहुत ऐसे परिवार कोलैप्स हो चुका है, टोटल परिवार कोलैप्स हो चुका है, कोई बोल नहीं सकता है मेरे को लगता है। मेरे को ही, आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ हिज फैमिली, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत बार याद आता है उस परिवार में क्या हुआ, वो लोग कैसे अभी जी रहे हैं, कैसे स्टैंड होगा फैमिली, बहुत बड़ी दुखी बात है। आप मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चा है, फादर मदर दोनों कोविड से मर गया है, जो घर पे जो आधार स्तंभ था, जो कमा के लाता था, चार लोग खाते थे, वो व्यक्ति मर गया है, कहां जाए लोग, कौन देखेगा इनको, किस तरीके के हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, एटलीस्ट 6 महीने वो लोग थोड़ा स्टेबल रहे, थोड़ा उनको एटलीस्ट दाल चावल आटा ऐसे राशन इनको उपलब्ध कराने के लिए हमने, वी आर आइडेंटिफाइंग, वो कल हमारा प्रोग्राम लॉन्च भी हुआ है, पूरा देश भर हमने आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ कोई स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए भी देखते हैं, ऐसे कोई हम तो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर, बट कांग्रेस सरकार है वहाँ, हमने जो भी है वहाँ वो लोग ने स्टेप भी ले लिया है ऐसे लोगों को मदद करने का, उनको एजुकेशन का, हर तरीके का देखने का कांग्रेस सरकार के इसमें। श्रीवास, आई एम क्वाइट श्योर कि आप जो काम कर रहे हो उससे सरकार भी इट विल टेक अ लीफ आउट ऑफ इट, जैसे आप कह रहे हो, आई एम श्योर आपके सजेशन अब सरकार काफ़ी सीरियसली लेगी आफ्टर वॉट यू हैव अचीव्ड। एक नया प्रोएक्टिवनेस जो दिखा है आप में, मैंने देखा है कि लोग आपको जब कुछ स्टिंग मारते हैं तो आप ऐसे कटाक्ष से रिस्पॉन्ड करते हो, ओहो सॉरी आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, हम थोड़ा लोगों की जान बचाने में बिजी हैं, और उसके बाद आप लताड़ देते हो, एंड मैं तो कहता ही हूँ कि अब अगर लोगों को लताड़ोगे नहीं तो कब लताड़ोगे। तो ये जो एग्रेशन है, ये जो प्रोएक्टिवनेस है, ये जो प्रॉम्प्टनेस है, डू यू थिंक दिस वुड बी द न्यू नॉर्मल इन द कांग्रेस? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये मैसेज करके कहा है कि जो IYC कर रहा है अगर वही काम कांग्रेस करे। देखिए ये यूथ कांग्रेस इज अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कांग्रेस पार्टी का एक पार्ट है। जो फ्रंटल का काम क्या है, फ्रंटल में यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हम ही लोग फ्रंट में आके काम करते हैं। जो ये बिना कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट इतनी बड़ी लेवल पे काम भी नहीं होता। वहाँ से भी फोकस है, भले कोई कुछ भी बोले, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, वो लोग ने भी PCC प्रेसिडेंट्स हो, AICC जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सारे लोग यूथ कांग्रेस जो भी मदर काम, ऐसे काम पे हमेशा वो लोग ने साथ दिया, सपोर्ट करता है हर लेवल पे, ऐसा ये नहीं है। बट यूथ कांग्रेस लोग टोटली एक्सट्रीमली अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों के लिए मदद सड़क पे उतरा है, बट साइमल्टेनियसली वहाँ से भी हम लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, बट यही है ये यूथ कांग्रेस का एक है, पहले से भी आया। नो आई मैं ये बात समझ रहा हूँ, ऑब्वियसली दैट देर इज अ मदर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन देर आर द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन जैसा कि अभी घर पे फादर को बोलते हैं क्या तुम, चार बार दुकान थोड़ी हमने फादर को मदर को बेच सकते हैं। हाँ, परिवार में हर काम के लिए बड़े लोग को नहीं बोलते हैं, छोटे हम लोग रहते हैं उन लोग को बोलते हैं जाओ दुकान जाके आ जाओ, वहाँ जाओ काम करके आओ, ये तो नेचुरल है, पहले से ही ये परंपरा आया है, ये फ्रंटल है, ये मैं बिल्कुल समझ गया, आई मीन देयर इज नो डिबेट ओवर दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज और जो मैंने नोटिस किया है, आप चुपचाप सिलेंडर नहीं दे रहे हो, आप काम कर रहे हो, और मैं तो मानता हूं कि काम किया तो चौड़ से बोलो काम किया है, इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी ना है,
नहीं तो नहीं नहीं हम तो नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, आई अग्री विद इट, मैं ये कह रहा हूँ कि सो इन द सिमिलर मैनर, इफ अगर हम कांग्रेस में जो लीडर्स हैं उनको भी अगर जाते हुए बाहर देखें, डू यू नॉट थिंक दैट दैट वुड ऑल्सो हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि देखो कांग्रेस के लीडर्स भी जा रहे हैं, इट इज नॉट नहीं ओनली द नहीं यूथ कांग्रेस, दैट इज द क्वेश्चन। ना 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 ना, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग ने, सारे पीसीसी से डिस्कस किया, वो लोग ने सारे एम्बुलेंस लगा रहे हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर को लोग ने टीम बनाया है यही से, बड़े कांग्रेस से, होम आइसोलेशन किट देने का, और जो फ्री में जो जो बॉडी, कोई मौत हो गया उसको बॉडी लेके जाने के लिए, ऐसे बहुत सारा काम कांग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे करके। आप बहुत सारा स्टेट, उत्तर प्रदेश, मैं प्रियंका गांधी जी का ही मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वहाँ गांव गांव तक वो लोग ने होम आइसोलेशन किट दे रहा है, और मास्क सैनिटाइज करने के लिए ट्रक पे सैनिटाइज, वहाँ हॉस्पिटल्स हो, कोई सरकारी इलाका हो, रेलवे, मीन्स इस तरीके से पूरा गांव को भी, हर स्टेट में हो रहा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है, बट जो विजिबल हम लोग ज्यादा रहता है, हाँ, सोशल मीडिया सो जस्ट टेकिंग दैट विजिबल पॉइंट फॉरवर्ड, गौरव वल्लभ से भी मैंने जब बात किया है, दूसरे कांग्रेस लीडर से भी जब बात किया है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, मनी, मसल, मीडिया, कि गवर्नमेंट का इतना दबदबा क्यों रहता है नैरेटिव में, क्योंकि उनके पास मनी, मसल, मीडिया तीनों हैं। आपने अपने इंटरव्यू में शुरुआत में ही बोला मंशा, इंटेंट, तो मनी, मसल, मीडिया के बावजूद एक बंदा, वो भी यूथ कांग्रेस का, इंटेंट लेके आया और पूरा नैरेटिव लेके चले गया, तो इससे हमें क्या समझ में आया? वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा, इट वाज ईसी, इट वाज सिस्टम, एवरीथिंग अगेंस्ट वन लेडी, तो इससे लेसन क्या है कि मनी, मसल, मीडिया कैन बी डिफीटेड, इसको हराया जा सकता है? नहीं देखिए, ये पहले है टीम वर्क है, काम काम बोलता है, काम हम लोग करेगा उसको कोई ये नहीं कर सकता है। एक बार लोगों के भी दिमाग में आ गया, यूथ कांग्रेस ने, कार्यकर्ता ने इतने लेवल पे अच्छा काम किया है, बट ये लोग ने अभी कोशिश कर रहा है, जो टूल किट बनाया फर्जी, तो इन लोग का काम है, इनका यूनिवर्सिटी है, उसमें ये लोग ने पीएचडी लिया है, तो उस बात में मैं नहीं जाता हूँ, तो राजनीति बोलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये उन लोग का काम है, हम कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहे है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको, छोटा सा थोड़ा समय मिला तो उसमें किसको मदद कर सकते हैं, बट एक फोकस और एक हिंटेंट लेके आपने कुछ करना चाहता है, 100% सक्सेस है, तो उसको राजनीति कोई मुझे, नहीं, कोई नहीं रुका सकता उसको। एंड राजनीति मुझे भी ज्यादा करनी नहीं थी, इसीलिए मैंने बहुत ही एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, अदरवाइज इट इज मोर फोकस्ड ऑन कोरोना एंड कीपिंग विद दैट ट्रैक ओनली। सोच लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी बनाई, आप तो जानते ही आजकल सुप्रीम कोर्ट ही तो देश चला रहा है जिस रेट पे हम जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए तो ऑलरेडी कमेटी बनाई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट सोच लीजिए 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एक और कमेटी बनाती है, कहती है भाई आप लोग से तो नहीं हो रहा है, हम ही करते हैं, और उस कमेटी में आपको बुलाती है सजेशन के लिए कि देखो भैया इनसे तो ना हो पाया, श्रीनिवास जी आप हमें बताइए व्हाट आर द स्टेप्स कि सरकार को तुरंत लेने चाहिए आज के डेट में, इस हफ्ते के डेट में, और मे बी सम और स्टेप्स जो थर्ड वेव को प्रिवेंट करें, आपके क्या सुझाव होंगे सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, इसको होमवर्क होना जरूरी है, विथआउट होमवर्क, विथआउट प्लान कुछ नहीं कर सकते, इनको सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठना, अभी वेव 3 का बात चल रहा है, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अभी शायद यह कितना वो ऑथेंटिक है पता नहीं, मैंने किसी अखबार में देखा उत्तराखंड में बहुत सारा बच्चे के ऊपर इन्फेक्ट हो रहा है करके, जी तो अभी आप जो किड एक्सपर्ट्स से, जो ऐसे उन लोग से बैठ के क्या क्या दिक्कतें हो सकते हैं, उनको किस तरीके का ऑक्सीजन का, वो वेंटिलेटर का, वो उनको क्या एक्चुअली नीडी थिंग्स है, क्या उनको पढ़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी करना,
और सारे लोगों को हर दूसरे कंट्री में भी थोड़ा एग्जाम्पल्स लेना वहाँ किस तरीके के हुआ है। बट इन लोगों को प्लान, विथआउट प्लान विथआउट विजन कुछ नहीं होगा। बट प्लान होना जरूरी है। आपको पहले ही 8 महीने आपको मौका दिया था, जी वेव वन आने के बाद में 8 महीने आपके पास मौका था। आपने एक दिल्ली का ही मैं एग्जाम बोल रहा हूँ, 220 ये ऑथेंटिक नंबर है, ये उन्हीं लोग ने दिया है, ये हमारा नंबर नहीं है। 220 मात्र आईसीयू बेड बढ़ा है। आपने सही समय में 1,000 वेंटिलेटर बेड, 5-10 हज़ार ऑक्सीजन बेड आपने बना देता था, दिक्कत ही नहीं होता था। इसमें ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, पैसे का नुकसान भी नहीं है इसमें। आपने बेड लगा देगा, उसके साथ है ऑक्सीजन लगा देगा, तो बाद में आपका इतना गवर्नमेंट ऑफिस है, हॉस्पिटल से नहीं तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चल रहा है, वो सारे बेड वगैरह सिस्टम उसको प्रोवाइड कर सकते थे। तो इनको प्लान ही नहीं है ना, प्लान होना चाहिए। अभी वेव 3 के लिए इनको तुरंत जो जो मेडिसिन हो हर तरीके के इनको तैयार रहना, और वैक्सीनेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैक्सीन अभी इन लोग ने कहीं ना कहीं फिलफिल नहीं कर पा रहे। दिल्ली में मोर देन 100 स्कूल्स में जो वैक्सीन लगता था वो बंद कर दी। तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। अभी पहला डोज लगा दिया, उसको टाइम बढ़ा दिया, 28 दिन के बाद लगने था, तो अभी ये लोग ने उसको 40 दिन बना दिया, 50 दिन बना दिया। हाँ, वैक्सीनेशन का भी स्मार्टफोन कौन यूज करता है? माइग्रेंट लोग और गरीब लोग। जी हाँ, उनके घर में एक मोबाइल मुश्किल से एक 1100 यूज करता है। 4 लोग हैं, अभी पहले 5 लोग हैं, तो 4 लोग के लिए एक नंबर अवेलेबल कर दिया है, एक मोबाइल नंबर पे अभी हुआ है, 4 लोग कर सकते हैं। उसमें परिवार में 6 लोग हैं, वो लोग 2 लोग कहाँ जाएगा रजिस्टर करने? बगल घर में 2 लोग कम में उस नंबर से ऐड करेगा। मीन्स जुगाड़। ये प्लानिंग का ये है। वेयर डू यू थिंक श्रीनिवास द गवर्नमेंट लॉस्ट द प्लॉट? मैंने कभी पिछले 7 सालों में इतनी बुरी तरीके से सरकार को कंफ्यूज नहीं देखा है। तो आई अंडरस्टैंड गलती हुई है और गलती पे लीपा पोती भी होती है, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हो पाया। कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां आपने देखा कि बॉस ये खेल छोड़ के चले गए हैं, ये ग्रीन रूम में चले गए हैं या स्टेडियम ही छोड़ दिया है? ये लोग ने एक कोरोना को भी एक इवेंट बना दिया। पहला चीज है कि कोरोना को ये लोग ने सीरियस नहीं लिया, जो सारे दुनिया सीरियस लिया। आप देख सकते हैं कल ही लंदन में सारे खुल गया, बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग ने जो लॉकडाउन है वगैरह जो वो लोग ने फॉलो कर रहे थे। मीन्स यहाँ भी ऐसे प्लान बिना ये लोग ने, चुनाव में व्यस्त हो गया ज्यादा ट्रू। ये। इनको अभी भी इतनी बड़ी लेवल पे इनके पास मौका है, ये बहुत बड़ी नहीं है भारत देश में। भारत देश में हम सभी लोग मिलके कुछ कर सकते हैं। इस देश को बचाने का समय है, देश को बचाना है, देश को बचाना है तो सब लोग ये होना है, सारे प्रतिष्ठा छोड़ के, एलिगेशन करना छोड़ के, सारे इनके हाथ में, मंत्री है, संतरी है, सब इन्हीं के हाथ में है, पूरा सिस्टम इनके हाथ में। आप ये कह रहे हो जो कि चाहिए साथ में तो कर। मिलके काम करो, और यहां आप एक जगह ऑक्सीजन देते हो तो फिर वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इंसिडेंट बन जाता है न्यूजीलैंड वाला। तो आपको तो सरकार का रवैया अकॉर्डिंग टू यू क्या रहा है? मैंने मैं एक शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मेरे जहन में एक शब्द आया, पेटी। बट इसको अभी भी देखिए, किसी को भी कुछ दिक्कत हुआ तो डॉक्टर के पास ही जाएगा ना, डॉक्टर तो लिखेगा उनको दवा, वो डॉक्टर का सही नहीं है तो अगला डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ, बट सरकार भी ऐसे एक्सपोर्ट से थोड़ा उन लोग से बैठ के ऐसे ऐसे जो लोग सलाह दिया है देश में, उन लोग के साथ चर्चा करना चाहिए ना। इन लोग को वो यही नहीं है ना, इंटेंशन होना चाहिए। और
अगर आपको एक मौका मिले, चलिए सरकार तो शायद आपकी बात ना सुने, अगर दूसरे पार्टीज के लोग, आपके लीडर्स, अगर सब बैठ के बोले कि श्रीनिवास बताओ हम क्या करें, एज पॉलिटिकल लीडर्स, अगर सोच लीजिए पॉलिटिकल लीडर सुन रहे हैं, एक तो ही सिटीजन्स की बात हो, दूसरा है पॉलिटिकल लीडर्स, सोच लीजिए RJD हो गया, JDU हो गया, शिवसेना हो गया, उनसे आप क्या बोलोगे? एज अ पर्सन जिसने बहुत क्लोजली ये सब अब देखा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सब लोग बाहर आना चाहिए इस समय में। बाहर आके एक हिंटेंट, मैंने पहले भी बोला था ये बात, सब लोग हमने एक होके, अभी ये राजनीति हम पूरा टोटल साइड पे रखेंगे। परिवार किसी का भी परिवार होता है, दूसरे पार्टी का भी वो, हम लोग का वो, सबका है। ये सारे साइड पे रख के एक डिस्कशन होना, सरकार को भी सारे NGO से, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है और एक्सपोर्ट, सबको साथ में बिठा के चर्चा करना चाहिए था किस किस लेवल पे कैसा हमने मदद कर सकते हैं। देखिए, अभी एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार ओपनली आके ऑफर देना चाहिए था, वो इतना पूरा देश भर इतना डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक 100-100 ऑक्सीजन बेड का आप लोग लगा दो वहाँ वहाँ लगा के आप लोग ने लोगों को मदद करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये सरकार कहना चाहिए, सरकार जो इसके लिए कहने के लिए तैयार नहीं है। अभी राजस्थान में बाड़मेर में वहाँ 100 बेड का इन लोग ने ये बनाया है वहाँ, हरीश चौधरी ऐसे, वो भी मैक्सिमम 4 दिन में बनाए। भक्त बैनर्जी ने एक हफ्ते पहले एक एपिसोड बनाया, और मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ ये, भक्त बैनर्जी तो चलिए जो भी है, मेरे हिसाब से, और इस बार भक्त बैनर्जी से भी बहुत लोग ने अग्री किया, कि जो सरकार इतने कॉन्फिडेंस से विड्रॉ कर गई है पूरे सीन से, इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने अपना मैथ्स कर लिया है, गणित कर लिया है, अरे अभी 3 साल इलेक्शन को बहुत दूर है, लोग 3 महीने में सब भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक है। तो और कोई एक्सप्लेनेशन है इसका कि कोशिश भी नहीं हो रही है, ये लीपापोती को थोड़ा छोड़ के, कोशिश भी नहीं हो रही है ऑन द ग्राउंड एज सच, तो फिर क्या बात सच है कि लोग 3 महीने में ये सब भूल जाएंगे और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, ये लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंट है, लोग भूल जाता है, अभी कुछ भी हो जाए, कोई चुनाव ही नहीं है अभी तो जो भी चुनाव है अगला साल है, अगला साल में देखेंगे कुछ ये लोग नया कुछ फार्मूला लाएगा, तो फार्मूला कैसा फार्मूला आप भी देखा है, लगातार आप भी बंगाल में रहा है। कोशिश उन लोग का नया फार्मूला लाना फैलाने में कई कमी कमी कहीं नहीं छोड़ते हैं लोग। ठीक है। अब टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द इंटरव्यू, थोड़ा सा कोरोना से आगे हटकर एक दो और सवाल हैं। एक तो है कि आप लोगों को फीड कर रहे हो, और ये लिंक्ड है एक मेरे और दूसरे बड़े पैशन से, मैं इकोनॉमी काफ़ी डिटेल में ट्रैक करता हूँ। आप पुअर लोगों को, जिनके पास नौकरी नहीं है अब, उनको आप फीड कर रहे हो। मेरा सवाल ये है, आप कितने दिनों तक फीड करोगे? क्योंकि कोरोना के फर्स्ट वेव में इंडिया के पुअर हैव डबल्ड, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव के सही आंकड़े आए नहीं है अभी तक कि इंडिया के पुअर का अब क्या हालत हुआ। 3.7 मिलियन मिडिल क्लास इंडियंस हैव गॉन आउट ऑफ मिडिल क्लास इनटू पुअर क्लास। तो इकोनॉमी की तो जितनी बुरी तरीके से वाट लग रही है इस समय, इट इज नॉट अ मेडिकल क्राइसिस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आप कितने दिनों तक ऐसे हेल्प कर पाओगे, लोगों को खाना खिला पाओगे, नहीं और हमारी नहीं सरकारों के समझ में भी आया है ये बात? बिल्कुल, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखे, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात कोई है तो ये सही बात है। देखिए, आपने 2006 से 14 तक जो साइकिल में जा रहे थे वो लोग स्कूटर पे आए, स्कूटर जा रहे थे कार पे आए, एक लेवल पे एस्टेब्लिश होके वो लोग ने सेटल हो गए थे इकोनॉमी से हर चीज़ में। अभी जो वेव वन में आपने बताया इतने लोगों का जॉब लॉस हुआ, ह्यूज लेवल GDP गिर गया, हर तरीके का जो इंसिडेंट्स, जो नौजवान जो डेस्परेशन में जाके सुसाइड करने तक हमने देख लिया, बहुत बड़ी लेवल पे जॉब लॉस हो गया। तो अभी लास्ट 1 महीने में कम से कम 9 मिलियन जो टूरिज्म सेक्टर हो,
और होटल इंडस्ट्री हो और सॉफ्टवेयर हो, 9 मिलियन जॉब लॉस हो गया। जो जस्ट मैंने ये दो दो ही इसका मैं बता रहा हूँ, टूरिज्म और होटल का, 9 मिलियन मीन्स उस परिवार का हालत क्या होगा। तो इसको सरकार ने ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करना, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी कितने हम दे सकते हैं, इसमें न्याय स्कीम इनको देना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने बोला था 6,000 रुपए पर मंथ अभी इस समय में इन लोगों को देना चाहिए। इस समय में लोगों को आइडेंटिफाई करो, किस किस का जॉब है, बिलो पॉवर्टी लाइन कौन कौन है, उसका सरकार से आंकड़ा लाओ सही। उसके लिए एक ये इनको वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का खोलना चाहिए, अनएम्प्लॉयड रजिस्टर इन लोग ने खोलना चाहिए, नहीं तो जॉब लॉस किसके लोग हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लास्ट 1 साल में 2 साल में कितने जॉब लॉस हुआ है वो सारे रजिस्टर होके उसको उन लोग को मदद करना, उनको किस तरीके के उसमें इन लोग ने डिवाइड भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का पैकेज बना के उसके ऊपर फोकस करना। नहीं तो इस देश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, किसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने का पीने का नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा ना। करेगा ना, ट्रू। ये इसके लिए ये लोग अभी से प्लान करो, आप लोग सरकार है आप, और बहुत लोगों का वे ऑफ कर रहा है लोन वगैरह। हाँ तो ये यूथ के बारे में, ये युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा इस समय में परेशान है। हमने सुनते थे कभी कभी किसान आत्महत्या का, जो सुसाइड कर रहा है करके, अभी सुनने में मेरे को आया है सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहा है, बिकॉज दे लॉस 6 महीने से उसका नौकरी मिला, 1 साल से नहीं है, घर पे है। मोर देन 20 करोड़ पीपल एक बार खाना खा रहा है देश में, वो भी शायद बिस्किट हो सकता है, शायद एक समोसा हो सकता है ऐसे। बट दिस 20 करोड़ पीपल फ्रॉम लास्ट, ये जो इंसिडेंट हुआ है, पेंडेमिक हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इसके बाद का बात ही है। ट्रू। श्रीनिवास, बहुत सारे लोगों ने, ऑब्वियसली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर हैं, बाय द वे ये जो सारे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मेरे सवाल भी नहीं है, ये सारे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, हमारी जो कम्युनिटी है देशभक्त की, उनसे है, उनके ये सवाल हैं। तो उनमें से ही एक और सवाल आया था कि सरकार से तो खैर ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं अभी, और हमने भी देखा है कैसे लोग लोग को हेल्प कर रहे हैं, ट्विटर पे हेल्प कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। एक एवरेज सिटीजन जो ये इंटरव्यू सुन रहा होगा, उनसे आप आज के डेट पे क्या कह सकते हो, गिवन द फैक्ट दैट हमें गवर्नमेंट से ज्यादा आशा तो है ही नहीं, वो क्या करे, क्योंकि आशा ऑनेस्टली वही है सिटीजन से। देखिए, इस समय में मैं सबसे निवेदन करता हूँ, लोग बाहर आके लोगों के साथ खड़े रहना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको नहीं सोचना है। हम हमारा जैसा 10 युवा सड़क पे उतरे, 100 लोगों का जान बचा सकते हैं। 100 लोग उतरे, 1,000 लोगों का जान बचा सकते हैं। लाखों लोग उतरे तो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जान बचा सकते हैं। बट उसके लिए इस समय में इस देश का युवा होने के नाते हम सबका जिम्मेवारी है। ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ लोग ऐसे ही, बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। वो लोग कहीं ना पोस्ट डालते हैं ना कहीं इसका ये है, बट ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को एक छोटा छोटा सपोर्ट करके, एक बड़ी लेवल पे एक लिंक बना के, चेन लिंक बना के इस देश को बचा सकते हैं, वो इस देश का युवा ही बचा सकते हैं। बट घर से बाहर आने का जरूरत है। जब तक हम बाहर नहीं आएगा, हम कितने भी डिस्कस करें, नहीं है, चलो ये लोग अच्छा काम कर रहा है, 2 बार लिख दिया वो लोग ने, कमेंट्स में रिट्वीट कर दिया, फेसबुक में स्टेटस डाल दिया, इससे नहीं होगा। एटलीस्ट ये एक आदमी बाहर आके बहुत छोटा छोटा मदद का होता है। मैं एक बात बताता हूँ, एक कॉलोनी में 6 लोग कोविड इफेक्ट है,
उनके घर से बाहर जाके कोई ना मेडिसिन लाने वाला ने नहीं है, उनके परिवार में खाना बनाने नहीं है। हमने 21 दिन खाना उनको बना के दे दिया। मैंने वहाँ एक लड़का को बुलाया, तुम्हारे घर से मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है, 5 लोग हैं, तुम मेडिकल जाके हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर जाके एक मदद नहीं कर सकते, छोटा मदद। बाद में खाना बना के डिस्पोजेबल प्लेट और इसमें बॉक्स में रखो, वो लोग तुम थोड़ी अंदर जाना उनके घर पे। कोई को कोविड हो गया तो उसको देखने का नज़र अलग हो गया। मेरे को ये सबसे बड़ा दुख है, भाई को कोविड हो गया, छोटे भाई उसके बगल में नहीं जा रहे, उसको हॉस्पिटल नहीं जा रहे, ये नहीं कह रहे उसको साथ में पकड़ के जाओ। एक अटेंडेंट तो होना चाहिए, कोई नहीं है। रिश्तेदार फोन करे तो कोविड है तो तुम मत जाओ, ये क्या सोचे है? कोविड को आप क्यों इस तरीके के, आप लोग ने एक बहुत भयंकर महामारी, जो इससे बगल में जाएगा तो आपको भी आ जाए। हमने भी जाके क्रिमिनेशन करके आया वहाँ, मैंने अभी तक 15 क्रिमिनेशन किया हूँ, हमको भी डर नहीं है क्या? आप उसको जाने से, बगल में जाने से थोड़ी आपको कोरोना आ जाएगा। लोग अभी आप ये को मानवता को दिखाना चाहिए, लोग ये क्या बोले यार, True. बोलने को भी थोड़ा फील हो जाता है। सीरियसली No, I completely see you. मैं बात बिल्कुल अग्री करता हूँ. लेट मी जस्ट आस्क दिस टू यू. ना ना, आपको एक मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों कोविड है, दिल्ली में घूम रहा है, उसका बेटा, उसका भाई बहू बहू कॉन्सेंट्रेटर लेके घर पे रखा है। क्यों? मेरा हस्बैंड को हो गया तो मेरे को हो गया तो तब हम कहाँ जाए? उसको फादर इनला मदर इनला को नहीं दे रहे। हमने ऐसे केसेस देख लिया, बताओ। उसका बेटा भी कुछ नहीं कह रहा है, वो इतना उम्र हो गया, 60 साल के ऊपर है, वो लोग कहाँ जाएगा? ये क्राइसिस में कहाँ ढूंढेगा? इतना तो कोई कठोर होना नहीं। सो बिल्कुल. लोग भी पहले ही जाके स्टोर करके रख रहा है, पहले ही कोरोना आया नहीं है, फिर ये लोग खुद कोरोना चाह रहे हैं। परचेस कर लो, घर में स्टोरेज कर लो, ये क्यों करना है? इससे भी थोड़ा मार्केट में मिलना, थोड़ा लोग भी थोड़ा पैनिक हो गया है। ट्रू. मैं ये आप चाहो तो आंसर करो, नहीं करना है तो मत करिए, वैसी कोई बात नहीं है. इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. आप ही ने कहा जैसे पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको लगता है कि दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी में, किसी ने भी यूथ में, मैंने एक दो को कोशिश करते हुए देखा है, अगर मैं बोलूँ आप किसी का नाम लेना चाहोगे कि नहीं नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, वो भी अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हाँ हैं, ठीक, हाँ कोई है आप नाम लेना चाहोगे? नहीं, कुछ 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 लोग, कुछ ही लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करने का ये दिखा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट उनके पास सारे है, सिस्टम है, सब कुछ है, लोग बाहर आके करना चाहिए। वो बैठ के बयान देना, अलिगेशन लगाना छोड़ना, पहले अलिगेशन लगाने, तुम कितने लोगों को मदद किया वो बताओ मेरे को। बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन लोग ने, बहुत बहुत बड़े एलिगेशन लगा दिया। वो एलिगेशन सच्चे तो गलत गलत है, गलत मैं करे कोई करे गलत गलत है, बट आप लोग उसमें जो एनर्जी डाल रहे हैं ना, जो झूठ को सच बनाने में लगे हैं ना, वो दुखी का बात है। वो उस एनर्जी में आप किसी को मदद करो। मैं उनको ड्राई राशन चाहिए, जो भी मदद हम देते हैं, जो चाहिए तो उन्हीं का ब्रांड लगा दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं ना, इनको मैं कह रहा हूँ, मैं दे देता हूँ। उसको मास्क चाहिए पूछे, सैनिटाइजर चाहिए पूछो, मैं दे दूंगा। ब्रांड आपका ही लगा दो, आपका नेता का लगा दो, किसी का लगा दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे भारतीय युवा कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटेंट है। हम पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम वो लोग आए, पब्लिक भी नहीं देंगे, हम बता दें, हम मेरे को फोन करके मैं कहाँ भेज दूँ वही भेज दूंगा मैं। अब जो करना करो, करो कुछ। ये बोलना, एलिगेशन करना अच्छी बात है,
बट आप भी कुछ करो ना, तो आपके पास कुछ सिस्टम है, सब कुछ है, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपके घर को भेज दूंगा, जाओ तू निकलो बाहर, करो मदद। आपको क्या लगता है कि पहले फेज में तबलीगी जमात हुआ, 2 महीने तक तो देश को काफ़ी अच्छी तरीके से घुमाया मीडिया ने, अब आपको क्या लगता है अगला क्या होने वाला है? टूलकिट शायद उतना नहीं चल पाया, लेकिन आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ फंसाया जाएगा, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन बनाया जाएगा? हमने बेंगलोर साउथ में भी देखा क्या हुआ, हमने देखा बेड स्कैम को लेकर और उसमें 16 माइनॉरिटी लोगों को लेकर क्या हुआ, वो तो खैर 2 दिन में क्लीन चिट, वो भी फ्लॉप हो गया, कोशिश बड़ी अच्छी की थी। उसमें क्या निकला आपको भी पता है, पूरा देश दुखी है। अब उस समय में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके टारगेट करके उनको अरेस्ट करना, झूठ बोलना, ये लोग इतने झूठ बोल रहे हैं, झूठ भी शर्मा रहे हैं आजकल इन लोग से। अच्छा गंगा के नदी में आप तो देख रहे हैं, हाँ, वो तो खैर, तो इतने हजारों बाड़ी है। हाँ देखो, इसीलिए झूठ कितने दिन छुपा सकते हैं। मैं अभी एक झूठ छुपाने को 4 झूठ बोलो, उसको मुझे छुपाने के लिए 40 झूठ बोलो, 40 छुपाने के लिए 500 झूठ बोलो, बट सच और झूठ का लड़ाई है। बट एक दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, बट सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। भले कितने भी ये लोग कोशिश करे झूठ को सच बोलने में, उसको अवार्ड दिलाने में, झूठ को भी अवार्ड दिलाते हैं ये लोग। इसमें ये लोग ने एक्सपर्ट लोग है, तो लोग को भी समझ में आ गया, मैं ये फील कर रहा हूँ, लोगों को 100% समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है देश में। चलिए उसी से ही फिर आखिरी मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर ये सब करने के बाद, ये सब देखने के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूं यह हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये सब देखने के बाद, करने के बाद भी अगर आपसे कोई आए और आपको कोई न्यूज़ डिबेट में वगैरह वगैरह कहीं भी फेस टू फेस चैलेंज करे कि ये सब ठीक है, बोल लिया, कर लिया तुमने जो करना है, लेकिन आएगा तो मोदी ही, तो उसको आप क्या जवाब दोगे इसका? देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो जनता डिसाइड करेगा 24 में। जनता भी बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, जो बंगाल में भी ये लोग बोल रहे थे हम आ जाएंगे करके, क्या हुआ पता है? केरला में भी इसको एक सिंगल सीट इनका खाते तक नहीं खोला। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 24 के बाद आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अगर हाँ थर्ड वेव में बचे तो हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नो किस किस नो में जो लोग या कोया है ना, वो वहां जाके पूछेगा तो सही बताएगा वो लोग, कौन आएगा कौन नहीं। बस एक ही दुख है कि मैंने बहुत सारे भक्तों को भी बदलते हुए देखा है, लेकिन जब अपने पे आती है, मैं आशा करता हूं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने पे आकर ही लोगों को दिमाग आए, नहीं तो फिर देश खाली हो जाएगा। जब तक अपने पे आकर ही जब समझेंगे तो काफी देश खाली हो जाएगा, मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो। बट श्रीनिवास, आई वन लास्ट अपील अगर आप अपने तरफ से भी करना चाहो, आई नो दैट आप लोग को भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है, अगर आप कोई अपील करना चाहो जो सुन रहे हैं, जो आपको हेल्प करना चाहे, प्लीज फील फ्री। नो हमने अभी पहले ही हमने डाल दिया है, जो पब्लिक डोमेन में हमने पहले हम लोग के लेवल पे किया, पार्टी के तरफ से कुछ हुआ, बाद में पब्लिक भी डोनेट किया है ऑलरेडी हम लोग को। जब भी मैं दोबारा हमको रिक्वायर होगा, शरूर में लोगों के दोबारा आ जाएंगे। प्लीज प्लीज फील फ्री, दिस चैनल इज ओपन, अगर आपको नहीं नहीं कभी, मैं हाँ आप बिल्कुल, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, वही लोग हम एक माध्यम बन के हम काम कर रहे हैं, जो मदद करना है अपने ही आसपास में लोगों को वो लोग मदद करे। जी बहुत सारा केसेस है, वो बहुत
लोगों को फायदा होगा, मेरा ये कहना है। ठीक है श्रीवास, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोशिश यही है कि आपका मैसेज लोगों के पास जाए और लोग भी बाहर आके मदद करें। आई थिंक द टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू इज दैट भाई बाहर स्टेप आउट करो, सिर्फ सोशल मीडिया से भी काम नहीं चलेगा, रिट्वीट करिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल मदद करिए, लोगों को खाना ही खिला दीजिए जो सफर कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच श्रीवास। थैंक यू आकाश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बार मैंने आपका एपिसोड देखा हूँ, जो आज लगातार आपके साथ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी आगे और हम मिलेंगे, बट आपने काफ़ी इश्यूज ने भी आपने हमेशा उठाया है और चर्चा किया है। नथिंग कम्पेयर टू, आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत दिन से, नथिंग कम्पेयर टू आप क्या कर रहे हो, मैं एक छोटा सा एक बिंदु हूँ कम्पेयर टू आप क्या कर रहे हो। प्लीज कंटिन्यू डूइंग द ग्रेट वर्क एंड आई होप टू चैट विथ यू लेटर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश जी, नमस्कार। नमस्कार। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।